दोस्तों, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन उसके लिए भी क्या होता है कि हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद भी हमारे पास ये होता है कि बहुत ही कम चॉइसेस होती है, या फिर अधिकतर ये होता है कि हाँ, हम SSC, UPSC या फिर कोई और स्ट्रीम में जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम देते हैं, और वहाँ पर एग्जाम टफ होते हैं, और टफ लेवल पर हम उनको जब क्लियर करते हैं तब जाकर हमें जॉब मिलती है। और उसी में एक रहता है कि ऐसा भी क्या कोई कोर्स है जो कि अगर हम कर ले तो जिसमें कंपटीशन भी कम हो और कम ही स्टूडेंट उसके लिए अप्लाई करते हो, या वो कोर्स ही किसी ने कम किया हो। तो ऐसे ही कोर्स के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो कोर्स मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ वो है बैचलर इन लाइब्रेरियन साइंस, या फिर कभी कभी इसको शॉर्ट में बीलिप भी बोला जाता है, या फिर इसको बीलिस भी बोलते हैं, कि बैचलर इन लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो इस कोर्स को करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत होती है, कैसे आप ये कोर्स कर सकते हैं, कहाँ से आप कर सकते हैं, और इसके करने के बाद आपको क्या क्या ऑप्शंस जॉब के मिल जाते हैं, वही सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीलिप के लिए या फिर बीलिस के लिए हम कुछ भी इसको बोल सकते हैं। अगर हम बात करें बीलिप या बीलिस की, हम कर कैसे सकते हैं, तो इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर आप बीलिप करना चाहते हो तो कम से कम आपका ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। बात करते हैं अब ये कितने साल का होता है, तो ग्रेजुएशन के बाद ये 1 साल का होता है और इसको बैचलर डिग्री बोला जाता है। हाँ, बीलिप के बाद भी आप एमलिप भी कर सकते हैं, तो एमलिप के लिए बीलिप होना कंपलसरी होता है, जो बीलिप के बाद ही होता है। अब बात करते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी रहती है। जनरली अगर हम बात करें किसी भी यूनिवर्सिटी में बीलिप अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 से लेके 25,000-30,000 तक हो जाती है, और डिस्टेंस में अगर आप करते हैं तो डिस्टेंस में और भी कम होती है। अब क्या मैं अगर डिस्टेंस से ये कोर्स करता हूँ तो क्या उसकी वैल्यू होगी, क्या वो आगे जाके मैं जॉब के लिए एप्लीकेबल हूँ या एलिजिबल हूँ? तो हाँ, चाहे आप डिस्टेंस से करें चाहे आप रेगुलर से करें, अगर आप बीलिप कोर्स करते हैं या फिर एमलिप करते हैं, बीलिप के बाद जो होता है, तो उन दोनों ही कंडीशन में आप जो है इसके लिए पूरी तरह से वैलिड होते हैं, और दोनों ही कोर्स 1 साल का होता है। बीलिप भी 1 साल का होता है, उसी तरह से मास्टर इन लाइब्रेरियन साइंस जिसको बोलते हैं एमलिप, वो भी 1 ही साल का होता है। तो ये चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर कोई यूनिवर्सिटी UGC अप्रूव्ड है जो रिकॉग्नाइज है, वहाँ से आप ये कर सकते हैं। और अगर हम बात करें डिस्टेंस एजुकेशन की, तो डिस्टेंस के लिए यूनिवर्सिटी को DEB का भी अप्रूवल होना चाहिए। तो अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने DEB के अप्रूवल के साथ इसको किया हुआ है तो ये पूरी तरह से मान्य रहता है। अब बात करते हैं इसको करने के बाद आप किस किस सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। जैसे कि आपको लाइब्रेरियन ऑलरेडी उसमें नाम में आ रहा है, यानी कि आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो लाइब्रेरियन भी होंगे, लेकिन लाइब्रेरियन का कहाँ कहाँ पर है गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी के बारे में मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वही सेम लिस्ट वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिससे कि आपको ईजी हो कि आप वो देख सके। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाँ, उसके लिए लिस्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइब्रेरियन अटेंडेंट जो होता है, यानी कि आप किसी भी सेक्टर में अगर जहां पर भी लाइब्रेरी है वहां पर अटेंडेंट की जरूरत होती है तो वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर लाइब्रेरियन असिस्टेंट के लिए होती है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए होते हैं, जूनियर लाइब्रेरियन प्रोफेशनल असिस्टेंट इनके लिए होती है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए होती है, डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए होती है, लाइब्रेरियन और चीफ लाइब्रेरियन के लिए इसकी जॉब निकलती है, एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट के लिए इसकी जॉब निकलती है, और कंसल्टेंट और रेफरेंस लाइब्रेरियन इनके लिए इसकी जॉब निकलती है, रिकॉर्डर मैनेजमेंट के लिए होते हैं, रिकॉर्ड मैनेजर की इसकी जॉब निकलती है, और डायरेक्टर हेड इन्फॉर्मेशन सेंटर उन पर होती है, और भी ऐसी इंडेक्सर अच्छी आर्चिस्ट इनमें होती है। अब ये जॉब अगर आपको सर्च करनी है तो कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं हर स्टेट में साल दो साल में एक बार इनकी वैकेंसी निकलती है। जैसे कि अभी रिसेंटली हम बात करें तो KVS की अभी लाइब्रेरियन के लिए जॉब निकली थी, जिसमें लगभग 300 जॉब इसकी निकली थी, जिसमें कई लोगों ने अप्लाई किया था। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि KVS का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, लाइब्रेरियन में KVS के बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो कई लोग होते हैं जो कि KVS में जो उन्होंने किया है एग्जाम वो क्रैक कर भी ले तो आगे इंटरव्यू में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर इंटरव्यू भी क्रैक हो जाए तो आगे उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर हम DSSSB की बात करें, यानी कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट साइट है, वहाँ पर अब जाके बात करें, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज निकलती है जहाँ पर बहुत इजीली इसका हो जाता है। अब वो बात करते हैं कहाँ कहाँ पर किस किस डिपार्टमेंट में ये जॉब आपको मिल सकती है। तो इसमें भी ये है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हर जगह लाइब्रेरी होती है, वहाँ पर आपको ये जॉब मिल जाती है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट लाइब्रेरीज जो होती है, जो हर स्टेट में हर सिटीज़ में होती है, वहाँ पर आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। फिर उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर ऑफ बैंक्स में भी जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वहाँ पर आप ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेशनल म्यूजियम और आर्चीज़ में इसको कर सकते हैं आप। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGOs वगैरह,
उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज टाइम टाइम पर निकलती है, वहाँ पर आप कर सकते हैं। इवन अभी तो ये भी है कि प्राइवेट स्कूल्स में भी लगातार इसकी वैकेंसी निकलती रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दिया कि लाइब्रेरियन के लिए भी एक ये होना कंपलसरी है कि अगर आपका लाइब्रेरियन, आपके स्कूल में कोई लाइब्रेरियन है, तो उसको बीलीज करना कंपलसरी होता है, तभी वो उसके लिए वैलिड माना जाता है। इसके अलावा बात करें, कॉर्पोरेट हाउसेस में होती है, फॉरेन एम्बेसीज में होती है, हाई कमीशंस में होती है। अगर इंटरनेशनल की बात करें तो WHO में इसकी है, यूनेस्को में इसकी है, यूनाइटेड नेशंस में है, वर्ल्ड बैंक में, और भी काफ़ी सारी इसकी है। लाइब्रेरी नेटवर्क्स होते हैं, डेटाबेस प्रोवाइडिंग फॉर्म्स जो होती है वहाँ पर इसकी वैकेंसी निकलती है। इसी तरह से बहुत सारी है जहाँ जहाँ पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरली हम क्या देखते हैं कि सिर्फ हमारे स्टेट में 2-3 वैकेंसी आती है, जिसमें 100 लाइब्रेरी की वैकेंसी निकली है, 200 निकली है, हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं। बट इसमें हजारों वैकेंसीज हैं जहाँ जहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, इसमें कंपटीशन एज कम्पेयर टू अदर वैकेंसीज बहुत कम होता है। यानी कि अगर आप बीलिप कर लेते हैं या फिर आप एमलिप कर लेते हैं, तो आपके पास जॉब पाने के जो चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू अदर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स या मास्टर स्टूडेंट्स, उनसे आपके पास ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी आपका अगर लाइब्रेरियन को लेकर या बीलिप से एमलिप आप कहाँ से करें वो आप जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।